फिट करी के कुछ जबरदस्त उपाय बताने जा रही हूँ जिससे खुल जाएगी किस्मत, बनेंगे बिगड़े काम, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों। मेरे के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग, ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगो, है कि नहीं। आज जो चीजें आपको बताने जा रही हूँ इसको आपने फिर कर लेना है। आप रोज मेरे साथ चल रहे हो, साथ साथ चलो, कोई घबराने वाली बात नहीं। देखो भाई, हमारे अगर प्लेनेट नेगेटिव है जिसकी दशा चल रही है, मैं कहती कोई भी ये जो दोष भी बताए जाते तुमको, ये दोष है ले देकर बात कहाँ आ जाती है। हमारे प्लेनेट कहीं ना कहीं वीक है। अब जैसे कल जिनकी कंसल्टेशन करी थी, नाम नहीं लेगा मैं, है कि नहीं। बट कुछ चीजें है ना, जब हम कंसल्टेशन करते हैं तो कुछ चीजें समझ में आती है, कुछ चीजें पता चलती है। अब जैसे वो कहीं पर गए होंगे, उन्होंने क्या बोला वो एस्ट्रोलॉजर ने, नहीं नहीं साढ़े सती है तुम्हारा, तो भाई भोगेगा, साढ़े सती चल रही है, भोगेगा, ऐसा भोगेगा कि वो पागल हो जाएगा। कमाल है। आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, जब कोई ऐसी चीज, मैंने ना उनको भी एक चीज बोली थी, पहली चीज तो एक चीज समझने की कोशिश करो, जिस प्लेनेट की दशा चल रही है, हमने देखनी है हमेशा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। आज का जो टाइम है कौन चला रहा है, जो मेन कहते हैं ना हेड होता है, जो आज का समय चला रहा है वो हमारी अंतरदशा है। अगला महीना कैसे जाएगा, अगला का अगला महीना कैसे जाएगा, वो प्रत्यंतर दशा पे डिपेंड करता है कि पेमेंट आएगी इस महीने, पेमेंट आएगी अगले महीने, पेमेंट आएगी, इस पे डिपेंड होता है। समझे मेरी बात को। अगर वो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर वो नेगेटिव है वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। एक शनि बैठा हुआ है क्या पत्री में, और कोई तो क्या कर रही है, दूसरे ग्रह क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे क्या। कोई घबराने वाली बात नहीं, भोगेगा ये वो, तुम बताओगे कौन भोगेगा। पहली चीज तो है, आपको मैं एक चीज बता दूं, वो जो इतनी बड़ी सुप्रीम पावर है उससे बढ़कर कुछ नहीं, ये ग्रह भी बनाने वाला वही है। जब उनको मना लोगे तो ग्रह की कोई मजाल नहीं है, आपका कुछ बिगाड़ जाएगा। समझे, अपना कर्म पक्ष कहते हैं ना, इतना बढ़ा दो उपाशा लोगों, जो 100% एफर्ट देते हो ना, हो सकता है नेगेटिव प्लेनेट की दशा में हमें 1000% देना पड़े। जो एक झटके में चीज पट करके हमको जॉब मिल जाती है, पट करके क्लाइंटेज हाँ बोल देता है, वो पैसे डिपॉजिट कर दे, हो सकता है अटेम्प्ट ज्यादा करने पड़े। घबराते क्यों, घबराते घबराए मत करो, सीधी सी बात है। एक जबरदस्त चीज आपको बताती हूं मैं, देखो आज नौमी है कि नहीं, कल दशमी है। आज अगर आप आज वीडियो जैसे देख रहे हो, है ना, कोई ऐसी बात नहीं, अगर लेट देख तो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शुक्रवार को 6 नीले फूल, 5 फिटकरी के जो वो होते हैं ना टुकड़े, वो हो गया, और एक कमर बंद लेनी है आपने, ठीक है। इसको आपने निश्चित काल में रात से 8:30 से 11:30 के बीच में ये जो है आपने माँ को अर्पित कर देना है। आप इसके बाद जप कोई भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी माँ का जो जप करते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये भी कर सकते हो। ओम एंग्रीन क्लीन नमः चंडिकाय, ओम एंग्रीन क्लीन नमः चंडिकाय, ये चीज का जप कर लो। 5 माला करो, जो 11 माला कर सकते क्या कहने। देखा जाए क्या होता है, जब हम कोई जप करते हैं वो ध्वनि प्रोड्यूस करता है, ये एक जरिया होता है, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी, जब हम जप करते हैं पाठ, उससे ध्वनि निकलती है कि नहीं। जो हमारे जो हायर बॉडीज है, ये एक माध्यम होता है उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करने का। तो जब हम लोग ये करते अपने मन में, पता है क्या, मनोकामना तो क्या ही लेकर बैठे, कहते हैं ना ऊपर वाले जो इतनी बड़ी सरकार है, सुप्रीम पावर है, इतनी पाक रूह है, कितने स्पिरिट गाइड, हमारे स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं, हमारे गार्डियन एंजल भी होते हैं। कहते हैं ना हम कुछ बोले ना बोले, उनको सब हमारे लिए पता है, बट हम उनके द्वारे जाते ही नहीं, हमको उन पर विश्वास ही नहीं, हम लोगों को भगवान बना देते, यही यही करेगा, आप बताओ ना, प्लीज प्लीज बताओ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है, सीधी सी बात है। अब आपने ये चीज करी, जो 5 फिटकरी के जो टुकड़े हैं, अगले दिन है ना वो अपने पास में रख दो, कहीं पर भी रख दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तिजोरी में रखनी है तिजोरी में रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो 6 फूल नीले फूल थे उसको आपने क्या कहते प्रवाहित कर देना है, और वो जो कमर बंद है, जो आज कर रहे हैं शनिवार को है ना, कल जाकर कमर बंद किसी 8 साल से छोटी कन्या को दे देना।
ये इसको मतलब फ्राइडे को कर लिया करो, सैटरडे को दे दिया करो, फ्राइडे को कर दिया करो, सैटरडे को दे दिया करो। वैसे तो कल दशमी है, इतना जबरदस्त चीज है, इसको कर लेना फिर, है कि नहीं? कोई ऐसी घबराने वाली बात तो होती ही नहीं भाई, कोई ऐसी भाग्य साथ देना शुरू कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं एक चीज और बता देती हूँ, जिनको भी 99 पे चीज कट जाती है, इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू कितनी अच्छी जाती है कि नहीं, लगता है अभी हो जाएगा हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन होता ही नहीं, कोई कट जाता है बार बार चीज। एक तो दूसरे भी उपाय किया करो, मैंने आपको क्या बताया, हर प्लेनेट को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है कि नहीं? हर प्लेनेट अपने अपने पार्ट में रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सीधी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ा जबरदस्त चीज बता रही हूं आपको, तांबे की कोई छोटी सी प्लेट ले लो, ये इसको हर शुक्रवार शुक्रवार भी कर सकते हैं आप। ये उन लोगों के लिए है जो इंटरव्यू पे जाते हैं, क्या कहते हैं, पास नहीं हो पाते, जो काम क्लाइंटेज कहते हैं ना, लोग आते हैं, लोग आए, ग्राहक आए, मुड़ के चले गए। अब जब बंदा आ रहा है, बस शॉप को देख रहा है और जा रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, ऑर्डर मिला पट करके कट गया, और इतना हम खुश हो गए कि चल भाई अब तो हमारा हो गया एक महीने का, एकदम पट करके ऑर्डर कट गया। घर पे ऐसी चीजें हो गई, एक इंसान के घर पे जब इतने झगड़े क्लेश होंगे तो कैसे चलेगा सीधी, जो मर्जी जो मर्जी। ये जो है, ये आपने शुक्रवार के दिन अपने मन में चीज रख कर के, मैं इससे है ना, ये मैं करने जा रहा हूं, करने जा रही हूं, ये आप अपना वो जो है वो आपने उधर चढ़ा देना है, सीधी सी बात है। 5 फिटकरी के टुकड़े, 6 जो फूल है वो करके जाना है। और अच्छा, जाना तो क्या है, उसके बाद में जप करना है, वहीं बैठ के कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या घर पे जैसे आजकल है ना, इतना ज्यादा खड़े नहीं होने देते मंदिर में, या जैसे भी फिर ये क्या कहते हैं, जो कटोरी है वो अपने आगे रखकर, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाद साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, है कि नहीं? करेगा बेड़ा पार, अगर इससे नहीं होगा किससे होएगा फिर, बताओ आप मेरी बात। फ्राइडे फ्राइडे करा करो, फ्राइडे फ्राइडे करो, देखना 3-4 मैं कहती हो सकते हैं कि फ्राइडे में उसको मैं फिर बोलूंगी परमानेंट। जो हमको पावर दे रहा है वो पावर को हम अपने से दूर क्यों जाने दे, सीधी सी बात है। इसको कंटिन्यूटी में फिर करना, जितने भी 11 11 कर लो, कोई बात नहीं, 11 शुक्रवार कर लो, इसमें तो वैसे ही रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, एक और चीज आपको बता देती हूँ, बड़ी जबरदस्त सी, फिर वही बात आ गई, जहां पर भाग्य साथ, भाग्य पक्ष हमारा कमजोर हो जाता है। कल भी बताया था, बुध जब हमारा नेगेटिव होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे से प्लानिंग करने ही नहीं देता पाशा लोगों को, सही कह रही गलत कह रही, 99 पे चीजें काट देता है, ये सारी चीजें कर देता है। तो हमें क्या करना है, एक जबरदस्त सी चीज बताती हूँ, हरी मूंग की जो दाल होती है ना, उसको जो पानी जैसे रात को भिगो के रख दो, अब फिर थोड़ी सी फिटकरी लेके ना 7 बार क्लॉकवाइज, जैसे ये डोंगा पड़ा है, 7 बार क्लॉकवाइज करके इसको बाहर खिड़की के बाहर फेंक दो, मुड़ के नहीं देखना, सीधी सी बात है, है? और सुबह वो जो हरी मूंग की दाल है इसको आपने फिर पंछियों को खिला देनी है। इसको रेगुलर बेसिस पे करो, जिनको भी काम नहीं बन पा रहे, आज की डेट में कम्युनिकेशन स्किल्स भी कितने ज्यादा जरूरी है, सही कह रही गलत, कि लोगों का आपका प्रभाव पड़े, लोग आपकी बात माने। इंटरव्यू पे भी वही बात आ जाती है, आपके अंदर ऐसी चमक होनी चाहिए कि कहते ना, 1000 लोगों में अकेले आप चमको, आपके बात पे लोग इन्फ्लुएंस हो। आज की डेट में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे बात बनेगी, नहीं बनेगी यार, क्यों आप पे कोई ट्रस्ट करेगा, क्योंकि आप वो वैसे भी जो बच्चे लोग भी हैं, जो एग्जाम्स में जो मदर्स हैं बड़ी परेशान हो जाती है, वो पहली बुखार चढ़ जाता है। एक तो ये चीज करवाना, एक और चीज बता देती हूँ, थोड़ी सी फिटकरी और जो कपूर होता है ना, जब बच्चा पड़ा वहीं पर ही रख देने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक और चीज बता देती हूँ, ग्राहक आते हैं मुड़के चले जाते, कोई ये सारी चीजें भी हो जाती है ना, एक कपड़े में। अब आपको 2-3 चीजें अब मैं बताती हूँ, पहली चीज तो कहीं ना कहीं ग्राहक आते हैं मुड़के चले जाते हैं उसके लिए भी, और जिनके भी क्या कहते हैं मेन दरवाजे के सामने
वो है क्या कहते हैं, जैसे सड़क है, हॉस्पिटल है, शमशान घाट है, ये सारी चीजें है, तिराहा बोलते हैं वो है, सड़क जा रही है आते जाते वो सारी चीजें। अब मेरी बात सुनो, एक तो पहली चीज ये है कि अंदर की साइड फिट करिए जो है कपड़े में। अब कल पता नहीं, मेरे को लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। देखो भाई, साउथ में रेड कलर के कपड़े में, नॉर्थ में ब्लू कलर के कपड़े में, ईस्ट में ग्रीन कलर के कपड़े में, वेस्ट में व्हाइट कलर के कपड़े में, साउथ वेस्ट में येलो कलर के कपड़े में, है कि नहीं। इस चीज को ऊपर टांग देने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक चीज बता देती हूँ, बाथरूम्स में भी, अगर हमें पता है हमारी एंट्रेंस भी थोड़ी सी गड़बड़ है, उसके बारे में भी बात करूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंट्रेंस के बाहर भी ना फिट करी रख दो, अपने बाथरूम्स में भी फिट करी रख दो, उसको एक एक हफ्ते बाद चेंज करते रहा करो, कोई घबराने वाली बात नहीं। दूसरों बस ये बोलूंगी, एक चीज बोलूंगी, लोग अवेयर हो रहे हैं, कब समझोगे ये पाखंड के दुकानों से दूर रहने का, अपने को ये पूजा करानी पड़ेगी, हमारे पंडित करेंगे, नहीं तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम भोगोगे, तुम ये होएगा वो होएगा, काहे को वो कोई ताकत नहीं है क्या, सब बताऊं आपको, ये 3D वर्ल्ड है, 3D वर्ल्ड वाले लोग वो ही बातें करेंगे, है कि नहीं। हमारे 4D वर्ल्ड, जब हम ऑटोमेटिक राइटिंग, व्हेन वी कम्युनिकेट विद द स्पिरिट्स, आपको एक चीज बताऊं, ये जो ये तो चीज कुछ है ही नहीं, हम आप बताओ, हमारे आसपास इतनी स्पिरिट्स हैं, इतनी वाइट बीइंग होती हैं, पता है ऑटोमेटिक राइटिंग, आज मैं एक चीज बता देती हूँ, ऑटोमेटिक राइटिंग व्हेन वी कम्युनिकेट विद द स्पिरिट्स, हमें तो पता ही नहीं था मेरे फादर कैसे, उनकी डेथ हुई पता है उस टाइम पे, हो गए काफी साल हो गए, 10 साल हो गए उसको, है ना, वो उस पे ना आया मोहाली ऐसे करके वो चीजें आ रही है ना, तो मैं एकदम वो गई, मुझे लगा वहम, आप मान नहीं सकते, मैंने किसी तरह, कोई है जानने वाला उसको किसी तरह फोन किया, फिर मैंने पूछा कि कैसे, तब वो बताया कि वो मोहाली में थे, लास्ट के टाइम में तो वो मंदिरों में थे, मतलब बहुत चीजें होती है, मंदिर में रहते थे, क्या बोलूं अभी, हमें तो पता ही नहीं था चीजें, कोई घबराने वाली बात नहीं। हमारे लिए जो पितृ भी है, पितृ शांति, मैं वो भी बताऊंगी, हमारे लिए राहु पता है क्या, वो कल भी वो जो भोगेगा वो पागल हो जाएगा, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में था। अब राहु जो फर्स्ट हाउस में है, क्या होता है ना, उस बंदे को पता होता है कि वैसे ही राहु से इफेक्टेड है, तो बंदे को बोल दो, जिसने पागल नहीं भी होना होगा वो भी हो जाएगा, छोड़ो कोई बात नहीं, घबराओ मत, ठीक है। बाकी वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस, रजिस्ट्रेशन ऑन है, राइड गाइड करो, आगे बढ़ो, जो डेट है डेट आपको मैं कल बता दूंगी, रजिस्ट्रेशन ऑन है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वास्तु और टैरो रीडिंग में हम लोग ज्यादा लोग है ना, 3-3, 4-4 का बैच बनाते हैं, ज्यादा लोग होंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगी। बाकी मैग्निफाइड हीलिंग की रजिस्ट्रेशन ऑन है, अपने चक्रास को हील करो, 5 हायर बॉडीज के साथ, कल दिखाऊंगी आपको एक चीज, कनेक्ट करो पाशा लोगो, वो सुप्रीम पावर है, ये कहते हैं ना, ये अपने DNA को जब आप हील करते हो, अपने पास्ट लाइफ को हील करते हो, हमारी चीजें आपको बोल नहीं सकती कितनी बेहतरीन, वैसे अभी आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही, जब ये करोगे ना मुझे जिंदगी भर तक थैंक यू बोलोगे, कसम से, वो सुप्रीम पावर की बहुत ऐसे एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है, हमारे मद कोनिन की ये हीलिंग है, जब वो ब्लेसिंग देते हैं ना आप सोच भी नहीं सकते, सीधी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करो, दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, लाइक क्यों नहीं करते आप, मुझे लाइक करोगे यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा, और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।